आप सभी दोस्तों को, आप सभी लोगों को एक बार फिर से हम अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी जो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पे पूरे विस्तृत रूप से जो है गवर्नमेंट के तरफ से फोकस है। जितने भी विद्यालय हैं, कक्षा 1 से 8 तक संचालित होने वाले विद्यालय हैं, उसमें कक्षा 1 के नव प्रवेशी छात्र को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN स्कूल रेडीनेस चहक के तहत जो है प्रशिक्षण आज से प्रारंभ हुआ है। बहुत सारे बिहार के डिस्ट्रिक्टों में और बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में बहुत जल्द प्रारंभ हो जाना चाहिए, जिसका विस्तृत जानकारी कल आप YouTube के माध्यम से भी देखे होंगे। तो हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में आज हम आपसे चर्चा करेंगे बुनियादी संख्या ज्ञान का। बुनियादी साक्षरता, इसमें दो टर्म है, एक है बुनियादी साक्षरता, दूसरा है बुनियादी संख्या ज्ञान। तो इसमें हम जो है कुछ स्लाइड लेके आए हैं जो बुनियादी संख्या पे होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमें देखिए और आप अपने बहुमूल्य कमेंट से हमें अवश्य नवाजें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। तो आइए समय ना गंवाते हुए सीधे सीधे चलते हैं हम विषय वस्तु की ओर, जो कि हमारा है बुनियादी संख्या ज्ञान। तो ये है आपका बुनियादी संख्या ज्ञान, इसी के बारे में हम आज जो है आपसे चर्चा करेंगे, इसी के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। ये आप देख रहे हैं बुनियादी संख्या ज्ञान पे हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, बुनियादी संख्या ज्ञान का उद्देश्य क्या है? प्रतिभागी बुनियादी संख्या ज्ञान के अधिगम प्रतिफल को समझ पाएंगे। यानी इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी प्रतिभागी होंगे वो बुनियादी संख्या ज्ञान के अधिगम प्रतिफल को समझ पाएंगे। और दूसरा उद्देश्य इसका क्या है? दूसरा उद्देश्य है अधिगम प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए कक्षा में कैसे काम करना चाहिए, उस पर समझ बना पाएंगे। ये स्पेशली जो है वो डिज़ाइन है उन क्या कहते हैं मास्टर ट्रेनर के लिए, जो ट्रेनिंग देंगे शिक्षकों को, उनके लिए जो है। लेकिन इसका लाभ सब उठा सकते हैं, तो आप बने रहिए। दो उद्देश्य हो गया आपका। आपके हिसाब से बुनियादी संख्या ज्ञान में कौन कौन सी अवधारणाएं और कौशल आते हैं, ये आपको जो है प्रश्न जब आप इस पे परिचर्चा करेंगे तो ये प्रश्न जो है आप पूछ सकते हैं। वो ये प्रश्न है कि क्या क्या जो है कौन कौन सी अवधारणाएं और कौशल इसमें आते हैं। अब ये देखिए, बुनियादी संख्या ज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं, सबसे पहले संख्या पूर्व अवधारणा है। क्या? संख्या पूर्व अवधारणा। जब बच्चे स्कूल आते हैं और या फिर बुनियादी संख्या ज्ञान को सीखना शुरू करते हैं, तो पहले से उनके पास जो है कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ अवधारणाएं हैं। वो क्या क्या है कि सबसे पहला तो वर्गीकरण का है, फिर दूसरा तुलना है, तीसरा क्रमबद्धता है, एक एक की संगता है। वर्गीकरण, रेड, आप जो है उसको अलग अलग कलर देके उसको कहेंगे अलग अलग, जो जिस रंग का है उस रंग में रंग रखिए। इस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। बड़ा बड़ा में रखा जा सकता है, छोटा छोटा में रखा जा सकता है, आप उसको कहेंगे। और तुलना करना, दोनों में तुलना करना कि जो छोटा है, बड़ा है, बड़ा है। क्रमबद्धता, एक सीरियल में लगाना, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। क्रमबद्धता, एक एक की संगता कि एक एक को जो है संगता करना है। फिर उसके बाद दूसरा जो अवधारणा है वो ये है संख्या ज्ञान। क्या है? संख्या ज्ञान, संख्या की समझ, संख्या पहचान और लिखना, संख्या की तुलना करना, ये हो गया। और फिर संख्याओं की संकरियाएं, संख्याओं की संकरियां में चार संकरियाओं की समझ, संकरियाओं से जुड़ी इबारती सवाल। और फिर जो है स्थानिक समझ में 2D 3D वस्तुओं की समझ, 2 डायमेंशन 3D 3 डायमेंशन। तो उसको आप जो है बता सकते हैं एक माचिस दे करके, आप उसको बता सकते हैं किताब दे करके, आप उसको बता सकते हैं ये कागज़
कमरा दिखा करके, तो फिर ये जो है आप उसको थ्रू 2D और 3D का समझ विकसित कर सकते हैं। मापन, मापन में हो जाएगा आपका क्या क्या, लंबाई हो जाएगा, वजन हो जाएगा, धारिता, तापमान की समझ, फिर इस तरह से पैटर्न हो जाएगा, आकृति संख्याओं के पैटर्न को समझना और उसे आगे बढ़ाना। फिर उसके बाद आप जो है अक्षरों का प्रबंधन, तो इसकी प्रमुख अवधारणा में आप कह सकते हैं संख्या पूर्व अवधारणा, संख्या ज्ञान, एक में आप कह सकते हैं संख्या पूर्व अवधारणा, दो में कह सकते हैं संख्या ज्ञान, तीन में कह सकते हैं संख्याओं की संक्रियाएं, चार में कह सकते हैं स्थानिक समझ, पांच में कह सकते हैं मापन, छह में कह सकते हैं पैटर्न, और सात में कह सकते हैं आंकड़ों की प्रबंधन। अब आइए समूह कार्य, अब क्या करना है आपको, जब ये सारे चीज बता दिए आप 7 या 8 में, तो अब क्या करेंगे कि आपके पास जितने प्रतिभागी हैं उन सबको 8 समूह में विभाजित कर लेंगे, यानी 8 समूह हम बना लेंगे और सभी को एक एक संख्या ज्ञान, संक्रियाएं, स्थानिक समझ, मापन, संख्या ज्ञान, संक्रियाएं, स्थानिक समझ, मापन, ये आपको जो है उस समूह को देंगे, उस समूह को इस पे कार्य देंगे और उसको कहेंगे आप जो है इसको कार्डबोर्ड पे लिखिए और फिर इसका जो है परिचर्चा कीजिए। फिर इसके बाद आ जाती है समेकन, क्या है, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, ये आपका समेकन का है। जैसे लंबाई की अवधारणा दिखाने, अवधारणा सिखाने में अगर बच्चों को कक्षा में ये मौका मिले कि वो अपने उंगलियों बीतों से ब्लैक बोर्ड या मेज को मापें, लंबाई के आधार पर कौन लंबा है कौन छोटा है इसके बारे में अपनी भाषा में बात करें और फिर अमानक इकाई से मापन की अवधारणा को समझा पाए, ये हो गया आपको। समेकन क्या है, बुनियादी संख्या ज्ञान हासिल करने के लिए बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे संख्याओं को समझ ले, संख्याओं को क्या करें, समझ ले, लेकिन संख्या सिखाने से पहले हम कुछ और भी कौशल पर काम करेंगे, जैसे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पे, फिर उसके बाद जो है तुलना करना, कंपेयरिंग करना, एक एक की संगता, 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस आदि, इन कौशल को संख्या पूर्व अवधारणा कहा जाता है, जो कि संख्या समझ में बच्चों की मदद करता है। जैसे गिनती सिखाने के शुरुआती समय में जब बच्चे कुछ कंचे गिनते हैं तब कंचों को 2 समूह में वर्गीकृत करके गिनना आसान होता है। एक समूह में गिने जा चुके कंचे, दूसरे गिने जाने वाले कंचे, ऐसे ही ज्यामिति के पूर्व अवधारणा में स्थानिक समझ, जिसमें आकारों की सतह, कोणों, भुजा आदि को समझना। फिर उसके बाद समेकन, कोई भी अवधारणा को सिखाते हुए सिर्फ ऐसे एल्गोरिदम पर ही काम करना पर्याप्त नहीं, इस अवधारणा का विस्तार कहाँ तक है, कैसे दैनिक जीवन के समस्याओं को हल करने में मददगार है, उस पर भी चर्चा करना महत्वपूर्ण है। यहाँ एक शब्द आया है एल्गोरिदम, क्या है ये, एल्गोरिदम। अब ये समझ लीजिए हर चीज का अपना एक क्या होता है, एल्गोरिदम होता है, इसको आसान भाषा में कहते हैं गणितीय गणना, क्या कहते हैं, गणितीय गणना, गणितीय गणना, गणितीय गणना, इसको एल्गोरिदम को कहते हैं। आइए समेकन, बच्चों में क्या कहते हैं, वर्टिकली हॉरिजेंटली किसी भी रूप में जोड़ सकते हैं, तो इसको आप जो है एक एक करके देख लेना। तो यही हमारा जो है इन शॉर्ट था, आप सब जो है हमारे साथ बने रहे, हमें देखिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट अवश्य करें, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है।